थ्री इडियट बैंग बैंग सनम रे जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले कलाकार दयाल प्रसाद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दयाल प्रसाद ने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे किरदार निभाकर हमीरपुर का नाम बड़े पर्दे पर चमकाया है। दयाल प्रसाद अब सावधान इंडिया के एपिसोड में नजर आएंगे। सावधान इंडिया में इसी सप्ताह शॉकिंग एपिसोड में लंबे रोल में दयाल प्रसाद अभिनय करते हुए दिखेंगे। दयाल प्रसाद ने हिमाचल में कलाकारों को मंच नहीं मिलने पर मलाल जताया है। थ्री इडियट बैंग बैंग सनम रे जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना चुके हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले कलाकार दयाल प्रसाद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दयाल प्रसाद ने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे किरदार निभाकर हमीरपुर का नाम बड़े पर्दे पर चमकाया है। दयाल प्रसाद अब सावधान इंडिया के एपिसोड में नजर आएंगे। सावधान इंडिया में इसी सप्ताह शौकीन एपिसोड में लंबे रोल में दयाल प्रसाद अभिनय करते हुए दिखेंगे। दयाल प्रसाद ने हिमाचल में कलाकारों का मंच नहीं मिलने पर मलाल जताया है। हमीरपुर आए हुए कलाकार दयाल प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल में सरकार की ओर से थिएटर के लिए प्रोत्साहन बहुत ही कम मिल रहा है, जिसके कारण कलाकार उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने मांग की है कि हिमाचल में भी थिएटर के लिए सरकार को काम करना चाहिए ताकि हिमाचली कलाकारों को मंच मिल सके। गौरतलब है कि दयाल प्रसाद गत काफी सालों से शिमला में रहकर थिएटर में अभिनय कर रहे हैं, तो इसके अलावा उनके मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। साथ ही पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए अब आगामी दिनों में हिमाचली फिल्मों में भी अहम रोल में दर्शकों को नजर आएंगे। सावधान इंडिया का अभी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक जो है वो एपिसोड हमारा रिलीज हो जाएगा, शौकीन करके एपिसोड। उसमें मैं जो मेन लीड है, जो हीरोइन है एपिसोड्स की, उसके हस्बैंड का रोल किया मैंने, जो कि बहुत ही, बाकी तो खैर आप दर्शक लोग देखेंगे तो बहुत बहुत मस्त एपिसोड्स हैं वो, बल्कि दो तीन आने हैं, लेकिन जो मेजर रोल है मेरा शौकीन एपिसोड में है जी। इसके अलावा आप फिल्मों में भी दिखेंगे, बताइए क्या क्या रोल रहा है फिल्मों का। जैसे कि मुझे थ्री इडियट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता हूँ मैं, थ्री इडियट्स की जो सबसे अच्छी बात है वो मेरा हिमाचली स्लैंग में मैंने वो रोल किया था और वो भगवान की दया से बहुत हिट करेक्टर्स में माना जाता है। उसके बाद मैंने बैंग बैंग की है ऋतिक रोशन जी की फिल्म, उसके बाद सनम रे टी सीरीज की एंड बुलबुल, और अभी हाल ही में मैंने पुष्पक विमान एक मराठी फिल्म की है जिसमें बहुत बड़ा किरदार निभाकर आया हूँ, और उस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो भी पहाड़ी स्लैंग में है। हिमाचल में थिएटर के लिए क्या स्कोप है, क्या मानते हैं आप? देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की बहुत कमी है। वो फिर चाहे सरकारी प्रोत्साहन की बात हो या फिर चाहे पारिवारिक की हो या सामाजिक की, थिएटर के लिए प्रोत्साहन बहुत कम है हिमाचल में। मेरा कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि थिएटर को प्रोत्साहित किया जाए। अगला कदम क्या है आपका, किसी की तैयारी हो रही है? अभी वैसे तो मेरा एक दो रीजनल फिल्मों का काम भी चल रहा है यहीं पर हमीरपुर में, और जिसका टाइटल मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ ही में मैं कुछ एक ऐसे नाटक यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ जो कि आंचलिकता है, यानी कि हमारी हिमाचली कल्चर को प्रमोट करते हुए जाएंगे और शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर जाने की कोशिश करूंगा। भक्तों चले एक छोटी सी ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।